हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो हमारा होगा जेके सेट लाइफ साइंस के ऊपर, जो कि रिसेंटली 24 जुलाई को एग्ज़ाम लिया गया जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आज हम उसी की आंसर की डिस्कस करेंगे, जेके सेट लाइफ साइंस की आंसर की आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल जेके सेट एग्ज़ाम में। बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोकेमिस्ट्री से तकरीबन 7 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं इस साल। सेल बायोलॉजी की बात करें, इसमें अबाउट 10 क्वेश्चन। सेल सिग्नलिंग कैंसर इम्यूनोलॉजी की बात करें, इसमें 11 क्वेश्चन। और डेवलपमेंट बायोलॉजी से पूछे गए हैं 8 क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे गए थे 7 क्वेश्चन। एनिमल फिजियोलॉजी से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। जेनेटिक्स की बात करें, इससे 11 क्वेश्चन आए थे इस साल। और अप्लाइड बायोलॉजी में 12 क्वेश्चन। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की बात करें, इससे आए थे 9 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे अप्लाइड बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन, और उसके बाद सेल सिग्नलिंग से आए थे 11 क्वेश्चन। तो इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की बात करें, इससे 9 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो देखिए जैसा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर प्रोटोजोन्स, तो हमें ये बताना है इनमें से प्रोटोजोन्स कौन से हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एपिकॉम्प्लेक्सेंस फ्लैजिलेट्स अमूबा एंड सिलियट्स जो हैं, इसका ये करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद हम तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। कॉलम ए में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और कॉलम बी करेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं, तो हमें मैच करने कौन सा करेक्टर जो है कॉलम ए के साथ मैच करता है। तो देखिएगा, यहाँ पे है कैलोबैक्टर। अब जो कैलोबैक्टर है, इसका करेक्टर क्या है? कैलोबैक्टर जो है ये कैन यूज फॉर्मेट साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब जो कैलोबैक्टर होते हैं, इसका मैच किया किसने? फोर्थ ने। माइक्सोबैक्टर जो है ये क्या होते हैं? इसका जो करेक्टर है वो क्या है? ये मल्टी सेलुलर फ्रूटिंग बॉडी। उसके बाद है मिथाइलोट्रॉप। मिथाइलोट्रॉप की बात करें, ये आएगा इमोर्टल स्टॉक सेल्स। और बैसिलस सेप्टिलस जो है, इसका आएगा नॉन फ्री लिविंग पेंसिलिन रेजिस्टेंट। तो कॉलम ए और कॉलम बी के साथ ये क्वेश्चन था, मैच करना था। तो जिसने इस तरह से मैच किया होगा, उसका जो आंसर है वो करेक्ट हुआ होगा। ओके, फिर जी टैकोइक एसिड ए कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल बिंड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम थर्मल इंजरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम। ठीक है, जिसने मैग्नीशियम टेक किया, उसका आंसर करेक्ट हो गया। जो अब टाइकोइक एसिड है, एक कंपोनेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल बिंड करता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम थर्मल इंजरी, वो है मैग्नीशियम, इसका करेक्ट आंसर है। पेंटाग्लाइसिन चेन ब्रिज द लाइसिन ई अमाइनो ग्रुप एंड डी एलानिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द सेल वॉल ऑफ, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या आएगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पेंसिलिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ बाय इररिवर्सिबली इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कॉलम एक्स को कॉलम वाई के साथ मैच करना है। तो पहला क्या है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आप जानते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये क्या करता है? डीएनए को रिपेयर करता है, गैप को फिल करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का आएगा डी। ओके, उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अब जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, ये प्राइमिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो ये आएगा सी। तीसरा कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज गामा। तो डीएनए पॉलीमरेज जो गामा है, ये आएगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। और उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, तो ये क्या आएगा? ये आएगा मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, तो ये आएगा बी। ओके, तो ये है इसकी करेक्ट मैचिंग। विच ऑफ दी फॉलोइंग अप्लाई यूनिकली टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो यहाँ ऑप्शन में है प्रेजेंस ऑफ प्रिकर्सर बीट एंड टी सेल्स, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, टर्मिनल डिफरेंशिएशन, सेलुलर प्रोलिफरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब जो सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स है, ये अप्लाई यूनिकली टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स।
ए सेल पासिस थ्रू स्टेज इन इट्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री. द फॉलोइंग आर थ्री स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री: डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिकेशन. तो वहाँ ऑप्शन में दिया गया था कि आपको देखना है कि पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा और तीसरा क्या आएगा. ठीक है, क्या इसका जो पहला डिटर्मिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, दूसरा स्पेसिफिकेशन है, तीसरा क्या? पहला स्पेसिफिकेशन है, दूसरा डिफरेंशिएशन है, तीसरा डिटर्मिनेशन है. तो आपको आंसर दिखाना है इसका, जो आंसर है वो क्या है. देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला होता है स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है पहला. अब अगर वहाँ पे डिफरेंशिएशन भी आगे होता या स्पेसिफिकेशन दूसरा आता तो भी चलता. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहला स्पेसिफिकेशन है, दूसरा डिफरेंशिएशन है और तीसरा होता है डिटर्मिनेशन. 3, 2, 1 इसका जो है करेक्ट आंसर है. ओके, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्या है, डायपीडीसिस जो है, डायपीडीसिस इज, अब डायपीडीसिस क्या है, डायपीडीसिस क्या होता है? डायपीडीसिस होता है इमिग्रेशन ऑफ फैगोसाइट्स थ्रू द गैप बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स टू इन्फ्लेमेशन साइट. ये इसका करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, डायपीडीसिस क्या होता है? इमिग्रेशन ऑफ फैगोसाइट्स थ्रू द गैप बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स टू इन्फ्लेमेशन साइट. ये इसका करेक्ट आंसर है. ओके, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज थैलेसीमिया? अब जो डिजीज थैलेसीमिया है, कौन सा टाइप का जो है एनीमिया रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? हीमोलिटिक एनीमिया. ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा. हीमोलिटिक एनीमिया जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेम द हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो उस हार्मोन का नाम क्या है? जी हाँ, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. ठीक है ना, ये जो है हार्मोन ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू द इंसफिशिएंट लेवल ऑफ. अब डायबिटीज जो इंसिपिडस है, कॉज्ड ड्यू टू इंसफिशिएंट लेवल ऑफ, किसकी इंसफिशिएंट लेवल होती है? इसका आंसर आएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स. ये इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसका इंसफिशिएंट लेवल कॉज करता है डायबिटीज इंसिपिडस. ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी वायरस HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स आर सेड टू बी डायग्नोस्ड फॉर एड्स विन. तो ऑप्शन है, इन इंडिविजुअल फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर HIV इन्फेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर पैरामीटर्स. नहीं, इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल्स पर mm³. ये इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका सही है. तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे दिया गया है? तीसरा ऑप्शन है HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज CD4 काउंट बिटवीन 1500 सेल्स. ये गलत है. इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज CD4 काउंट मोर देन 1500 सेल्स पर. ये भी गलत है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज CD4 काउंट लोअर देन 2. बायोसेंसर कैन बी मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज. अब बायोसेंसर की डेफिनेशन क्या आएगा, क्या आएगी? ए डिवाइस दैट हैव सिलिकॉन चिप्स रिप्लेस्ड बाय बायो मॉलिक्यूल्स. ये नहीं आएगा. एनी डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू टेक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट इन मेडिकल डायग्नोस्टिक. ये भी नहीं आएगा. एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस ए मेजरेबल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट बायोलॉजिकल और केमिकल एनालिटिक. यस, ये सही है. ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस. ये भी नहीं है. तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी, एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूस ए मेजरेबल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट बायोलॉजिकल और केमिकल एनालाइट. तो ये है इसका करेक्ट आंसर. क्लेवेटा म्यूचुअल जीन्स आर एक्सप्रेसेस इन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? शूट एपिकल मेरिस्टम. ये इसका करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है ना, कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, क्लेवेट है, म्यूचुअल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड देयर फंक्शंस इज मिसमैच्ड. तो यहाँ पे जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा जो है मिसमैच कर रहा है. देखिए, जो ऑक्सिन्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं सेल इलोंगेशन. बिल्कुल ये सही है, ये मिसमैच नहीं है. साइटोकाइनेंस जो है डिले करते हैं सेंसेंस. ये भी सही है. और एब्सेसिक एसिड जो है स्टिमुलेटिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये भी सही है. तो यहाँ पे है, अब जिबरेंस जो होते हैं प्रमोट बड एंड सीड डोर्मेंसी. ये गलत है. तो ये जो है मिसमैच है. ओके, मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स कौन से हैं? मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? देखिए,
include all representatives of Euclid but not most distant common ancestors, ये नहीं है. Contains unrelated organisms, ये भी नहीं है. Contains all representatives of Euclid एंड मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, ये करेक्ट आंसर है. तो जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप हैं वो कंटेन करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्लेड एंड मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप वन को ग्रुप सेकंड के साथ मैच करना है. ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं. पहला क्या है, राइजोबियम. तो राइजोबियम किसके साथ मैच करेगा? राइजोबियम जो है ये मैच करेगा डी के साथ, सिम्बियोटिक एरोबिक केमोट्रॉप. उसके बाद है डी सेल्फोवेब्रियो, जो है ये किसके साथ मैच करेगा? ये जो है ये मैच करेगा फ्री लिविंग एनोरोबिक केमोट्रॉप्स. ठीक, उसके बाद है एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर जो है ये किसके साथ मैच करेगा? ये करेगा फ्री लिविंग एरोबिक केमोट्रॉप. और उसके बाद है क्रोमेटियम. क्रोमेटियम जो है ये मैच करेगा सी के साथ, फ्री लिविंग एनरोबिक फोटोट्रॉप्स. तो ये इसका है मैच ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के साथ. ओके, अमाइनोप्टेरिन इज यूज्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडोमा सेल सिलेक्शन बिकॉज इट ब्लॉक्स द डिनोवो पाथवे ऑफ डीएनए सिंथेसिस. ये तो सही है. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बी सेल्स, नहीं. इट ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ आईजीजी बाय हाइब्रिडोमा सेल्स, नहीं. इट ब्लॉक्स द सेल्वेज पाथवे ऑफ डीएनए सिंथेसिस, नहीं. तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इट ब्लॉक्स द डिनोवो पाथवे ऑफ डीएनए सिंथेसिस. द फॉलोइंग आर सम ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड. तो ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, द फॉलोइंग आर सम ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट हैज बीन कमर्शलाइज्ड इन इंडिया, ये हमें बताना है. हालांकि ये चारों के चार जो हैं ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं जो डेवलप हुए हैं, लेकिन इनमें से कमर्शलाइज्ड कौन सा है तो उस हमें ये बताना है. तो ऑप्शन में है ब्रिंजल है, कॉटन है, गोल्डन राइस है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉटन. ठीक है ना, ऑनली टू इसका करेक्ट आंसर है. ट्राइसकैलियन स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद. तो जो ट्राइसकैलियन स्ट्रक्चर है ये किसके एसोसिएटेड है, ग्लाइकोफ्यूरॉन ए है, क्लैथरिन इलास्टेसिस नेक्लोजोम्स. अब जो ट्राइसकैलियन स्ट्रक्चर है ये एसोसिएट है क्लैथरिन. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लैथरिन. डीएनए पोलीरेज थर्ड लैक्स फॉर्मिंग एक्टिविटीज. तो ऑप्शन में है 5-3 पॉलीमरेज, 3-5 एक्सोन्यूक्लेस, 5-3 एक्सोन्यूक्लेस, बोथ 5-3 एंड 3-5 एक्सोन्यूक्लेस एक्टिविटी. तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5-3 एक्सोन्यूक्लेस. 5-3 एक्सोन्यूक्लेस जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. अब जो डी एन ए पोलीरेज थर्ड है लैक द 5-3 एक्सोन्यूक्लेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मॉल सब यूनिट ऑफ ई कोली और राइबोसोम. तो ऑप्शन है रूटलाइजेशन साइट, लीडर सीक्वेंस, कोजैक सीक्वेंस, शाइन डेलगैनो सीक्वेंस. तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी शाइन डेलगैनो सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मॉल सब यूनिट ऑफ ई कोली और राइबोसोम. ओके, Which one of the following events can shift a group of genes from one linkage group to another? तो कौन करता है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रांसलोकेशन. डी इसका करेक्ट आंसर है. ट्रांसलोकेशन जो है शिफ्ट ग्रुप ए ग्रुप ऑफ जीन्स फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू एनादर. तो इसका ये करेक्ट आंसर है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज होलोब्लास्टिक लीवेज. तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये. मैमल्स आप जानते हैं जो मैमल्स होते हैं ये होलोब्लास्टिक क्लाइवेज शो करते हैं. फिश जो होती है या फिर हम बात करें बोट्स की बात करें, इनके अंदर मीरोब्लास्टिक होती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मैमल्स. मैमल्स जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये शो करते हैं होलोब्लास्टिक क्लाइवेज. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, नहीं आएगा. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यस ये आएगा.
इरेगुलर रेंडम वेरिएबल नहीं आएगा, अनसर्टेन रेंडम नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल जो है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल इन ऑर्डर टू लोकलाइज ए नोन प्रोटीन प्रेजेंट एट लो कंसेंट्रेशन इन टिश्यूज वन वुड यूज। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर एक टिश्यू में लो कंसेंट्रेशन में प्रोटीन होगी उसको लोकलाइज करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं नहीं, ऑटो रेडियोग्राफी नहीं, अमाइनो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो है इसमें हम एंटीबॉडी डाल के करते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा अमाइनो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। द लॉन्ग एंड एलेबोरेट हॉर्न्स ऑफ मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स एंड डियर आर एन एग्जाम्पल ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सिंपल भी है, टफ तो नहीं है, हम इसको टफ नहीं कह सकते हैं। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाएं वो टफ अक्सर टफ नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है, सेक्सुअल सिलेक्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू, हमें ये बताना है कौन सी कंडीशन जो है इसमें ट्रू है। इन सिमिलर स्पीशीज इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस रिपीटेडली इन देयर लाइफ टाइम, नहीं। इन सिमिलर स्पीशीज इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ऑनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। जो सिमिलर होते हैं स्पीशीज, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ऑनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो यही है, इन सिमिलर स्पीशीज इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस ऑनली वंस इन देयर लाइफ टाइम्स। ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द लास्ट टू सेंचुरीज हैज रिजल्टेड फ्रॉम द फिजिकल अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट्स, ये तो सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज टू न्यू इकोसिस्टम, ये गलत है। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, द यूज ऑफ रिवर्स लेक्स एंड ओशंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, जो फिजिकल अल्टरेशन हुई है हैबिटेट्स की, इसकी वजह से ग्रेट लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का इन लास्ट टू सेंचुरीज जो है। ओके, इन द बायोडाइवर्सिटी एनालिसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द होल कम्युनिटी, द इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स IVI कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर क्या आएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव बेसल एरिया, ये इसका आंसर है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर ये हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यील्ड्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट, ये नहीं आएगा। द P680 क्लोरोफिल डोनेट्स ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स टू NADPH विच इज पॉजिटिव दस कन्वर्टेड टू NAD पॉजिटिव, ये भी नहीं आएगा। द इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज इन P680 आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स डिरिव फ्रॉम वाटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन द, अब जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, थैलोकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फॉलोइंग आर स्टेज ऑफ ट्यूमर डेवलपमेंट, ये जो फॉलोइंग स्टेज हैं ट्यूमर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हैं, तो हमें बताना है कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला आएगा इनिशिएशन, ठीक है ना, इनिशिएशन जो है ये पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद इनिशिएशन के बाद होता है प्रमोशन, ये दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद है प्रोग्रेशन, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और लास्ट पे होता है मेटास्टेसिस, तो ये है लास्ट, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन और मेटास्टेसिस, ठीक है ना, मेटास्टेसिस। तो ये था स्टेज होते हैं डेवलपमेंट किसकी, ट्यूमर जब बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्सिटी इंडेक्स, यहाँ पे बताना है कौन सा डाइवर्सिटी इंडेक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सिम्पसन जो इंडेक्स है ये डाइवर्सिटी इंडेक्स है। ओके, सिम्पसन इंडेक्स इसका करेक्ट आंसर है।
In the terrestrial ecosystem, the density of wood is greater in the ecotone zone between the forest and grassland. This is due to. तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं इसका आंसर आएगा एज इफेक्ट, ठीक है ना. इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द डेंसिटी ऑफ बोर्ड इज ग्रेटर इन द इकोटून जोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड. दिस इज ड्यू टू द एज इफेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है. टू प्रूव कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड सेकल्स इन जियोलॉजिकल टाइम डीएनए फ्रॉम विच टैक्सॉन्स वुड बी बेस्ट. जो एसिचल्स है ये कंट्री है ईस्ट अफ्रीका के अंदर, ठीक है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रॉग्स, ठीक. क्या आएगा? फ्रॉग इसका करेक्ट आंसर आएगा. नेम द टू अमाइनो एसिड्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एस्पार्टेम. देखो एस्पार्टेम जो है आर्टिफिशियल, कौन से कंपोनेंट्स हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर हमें ये बताने. नेम द टू अमाइनो एसिड्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम. तो इसका आएगा एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके. द फोर्स डेवलपमेंट बाय स्केलेटल मसल्स डिपेंड्स ऑन. जो फोर्स डेवलपमेंट बाय स्केलेटल मसल्स किस पे डिपेंड होती है? ये होती है लेंथ एंड नंबर ऑफ सैक्रोमेयर्स, ठीक है. लेंथ एंड नंबर ऑफ सैक्रोमेयर्स पे ऊपर ये डिपेंड होती है. ओके. न्यूक्लियोसोम इज ए स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ. तो फोर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए, ये नहीं आएगा इसका आंसर. एट हिस्टोन मॉलिक्यूल्स तो होते हैं एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए नहीं होता है इसमें. एट हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए, यस ये होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? एट हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए इसका करेक्ट आंसर होगा. नेम द प्रोटीन दैट होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर. तो वो कौन सा है? कोहेसिन होता है, ठीक है ना. कोहेसिन है, सिकुरिन नहीं है, सेपरेस नहीं है, एपीसी नहीं है, सिर्फ कोहेसिन है. तो इसका करेक्ट आंसर है कोहेसिन. टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर होल्ड टुगेदर. और ये देखिए ग्रुप वन ग्रुप सेकेंड, ठीक है. यहाँ पे है साइनाइड है, एंटीमाइसिन ए है, वेलिनोमाइसिन है और प्रोटीनून है, ठीक. यहाँ पे हम देखेंगे जो पी है, पी साइनाइड है, ये क्या होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेस. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, ठीक है. और उसके बाद जो है क्यों एंटीमाइसिन, एंटीमाइसिन की बात करें, एंटीमाइसिन आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी. तो इसका आंसर ये है. उसके बाद है वेलेनोमाइसिन, वेलेनोमाइसिन जो है इसका आंसर क्या आएगा? के पॉजिटिव आयनोपोर्स. तो ये है वेलेनोमाइसिन. और लास्ट पे है रोटीनोन. तो ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एफईएस सेंटर टू ओबिक्यूनून. फिर क्वेश्चन है जी, गिवन बिलो इज नेम्ड ऑफ साइंटिस्ट कॉलम एक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज ऑफ रिकॉग्निशन कॉलम वाई. कॉलम एक्स में कोई साइंटिस्ट हैं और कॉलम वाई में इनका एरिया बताया गया है. तो हमें मैच करना है कौन सा साइंटिस्ट किस एरिया से, किस एरिया में काम करता था, ठीक है. तो सबसे पहला है जड जैनसिन. तो जड जैनसिन का नाम आपने सुना होगा. जो जड जैनसिन थे इन्होंने किसके ऊपर काम किया है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसके बाद है आर हुक. आर हुक आप जानते हैं इन्होंने डिस्कवर किया है सेल को. आर ब्राउन, आर ब्राउन जो है इन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को. और एम जे शेल्डन एंटी सेचवन जो है इन्होंने प्रपोज की है सेल थ्योरी. तो ये था कॉलम एक्स और कॉलम वाई के साथ जो मैच करना था. तो जिसने इस तरह मैच किया होगा उसका क्वेश्चन जो है ये करेक्ट होगा. द साइज ऑफ डीएनए दैट कैन बी क्लोनेड इन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC. द साइज ऑफ डीएनए दैट कैन बी क्लोनेड इन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो यहाँ पे है रेंज ऑन एन एवरेज बिटवीन 200 to 200 KB. यस इतना तो होगा. लेस देन 200 KB नहीं. Has no size restrictions, no range वन on average between 100 to 270 KB नहीं. तो इसका जो correct answer आएगा वो क्या आएगा? 200 KB to 2000 KB. तो almost बहुत सारी books के अंदर लिखा गया है 200 to 1 MB, मतलब 1040 KB. तो ये कुछ question थे जो मुझे लगा कि इनका analysis होना चाहिए. तो आप comment में बताइएगा कि आपका score कितना है. Thank you for watching.